सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे हो गई थी, लेकिन कुछ काम के बिना पे जो है अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ। सबसे पहले तो मेरा तैयार होना, तकरीबन मुझे आधे घंटे चाहिए होता है कहीं भी जाने के लिए तैयार होना। तो मैं जब तैयार व्यार हो गया, रेडी होकर चाय हाथ में लेता हूँ, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि अपने दिन का आगाज किस तरह करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सब मैं आज जा रहा हूँ शूट पे, तरह के मैं लाइफ में एक बार फिर से जो है इस तरह की व्लॉगिंग कर पाऊंगा, क्योंकि लास्ट तकरीबन 3 महीने पहले, 6 महीने पहले और 2 साल पहले, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस दौरान बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई मेरी लाइफ में, मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत खैर सीन शुरू हुआ था यहाँ से। सबसे पहले दिस इज़ मी अतीक आबिद और आप देख रहे हैं AMV व्लॉग्स। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि मैं जो है एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो वर्क कर रहा था, स्टार्ट किया था कराची की मार्केट से। फिर जो है कुछ लोग मिले, कुछ रीड किया, कुछ जो है गूगल से नॉलेज ली, मतलब कि कंटिन्यू रखा अपने आप को, पढ़ता ही रहा, ठीक है। तो फिर जो है फाइवर में गया, अपवर्क में गया और पेपर पर हार में किसी ने सजेस्ट किया कि आप उसमें भी काम करें। तो अलहमदिल्ला ये कि इंटरनेशनल मार्केट में काम करना शुरू हो गया, ठीक है। जो जो मुझे अच्छी तरह जानता है या जो जो मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा होता है, दे नोज वेरी वेल कि मैं जो है क्या क्या कर रहा हूँ इस वक्त। एनीवे द रीज़न इज़ दिस वीडियो फॉर शूट टुडे। आई एम गोइंग टू लिटिल शूट, प्रोजेक्ट कह सकते हैं, शूट कह सकते हैं, फॉर बैरिया टाउन 2 आई थिंक सो, बट आई डोंट नो अबाउट दिस हुज देयर। आई मीन के वो कौन है, क्या काम लेंगे मुझसे, किस लेवल का काम है, ये मुझे नहीं पता। बट आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एडिडास शूट किया था, 0 to 100 वर्क की थी उसके लिए, ठीक है। शूट से लेकर एडिट से लेकर जो है जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ इंक्लूड कर दी थी मैंने उसके अंदर। तो सेम एज इट इज़ यही शूट है, अब जाएंगे देखेंगे उसके बाद काम शुरू करेंगे। सो टुडे सैटरडे मॉर्निंग 7 AM और सर्दी बहुत है, मैंने अभी विंडो खोली और बाहर में खड़ा होकर जो है आगे पीछे देख रहा था, तो मुझे तो काफ़ी ठंड लगी, तो इसलिए मैंने दो दो तीन तीन चीज़ें पहनी हुई ऊपर नीचे अंदर। हाँ जी अंदर। तो बात क्या हो रही थी, बात हो रही थी मेरी शूट की। तो भाई विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं शूट की लगे, और जो है मेरे साथ रहिएगा, मजा आएगा बहुत सारा। लव यू, बाय। अच्छा जी, कैमरा और खुद को तैयार करने के बाद फिर बारी आती है सबसे पहले मेरे पेट्रोल पंप की। सोने कर रहे हैं रास्ता बदल बदल के। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ठंड बहुत है और रास्ते में खड़ा हूँ, इसमें निकले रहा हूँ 2 बजे बाद, ऐसे भी मैं पीछे कार्ड वगैरह चार्ज कर, उसके बाद जो भी सीन होगा। तो भाई मैं निकल चुका हूँ अपने रास्ते की जाने, मेरा रास्ता काफ़ी दूर है, मगर रास्ते में नाजोबाद में रुकूंगा क्योंकि वहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है। सामान से पुरान मेरा कैमरा, मेरी लाइट और मेरी दूसरी चीज़ जो मेरे शूट पे अक्सर बाजूकात काम आती है, तो वो चीज़ के बगैर तो मैं जा नहीं पाता, ना जा सकता हूँ। तो लिहाजा मैं जा रहा हूँ नाजोबाद में, जहाँ पर मेरा ऑफिस है वहाँ पर मैं अपना सामान उठाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा बैरिया टाउन, ठीक है। यहाँ आ तो गया हूँ, तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे नाश्ता भी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आके चलता हूँ। तो भाई भरपूर किस्म की चेंजिंग हो गई है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और सामान भी उठा लिए थे।
और थोड़ा स्टैंड और ये सामान। तो चलता हूँ अभी आगे मंजिल की जानिब, वहाँ पे शूट वगैरह लेंगे और उसके बाद जो भी चलूँगा आपको। फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहां पे मुझे शूट लेना था। तो जाते साथ ही मैंने चाय वगैरह पीने के बाद अपना कैमरा सेट किया और अपना काम शुरू करने लग गया। कंटिन्यू है, अभी आधे से ज्यादा चैनल खींच लिया है और थोड़ा सा रह गया। तो कुछ शर्ट्स बाद ये चीज़ को फाइनलाइज कर लेके जाएंगे और उसके बाद फाइनल कर लेंगे। ठीक है, तो इंडोर सारा का सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड करके अब मैं जा रहा हूँ बाहर शूट लेने, यानी आउटडोर शूट लेने। तो कुछ इंडोर हो चुका है तकरीबन 80%, बाकी का जो 20% है वो आउटडोर जाके कवर कर लेंगे। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, ये जो शूट है ये टीवीसी टाइप का है, यानी कि टेलीविजन जो कमर्शियल होता है उस टाइप का, बट प्रॉपर्टी के हिसाब से। फाइनली प्रोजेक्ट की तरफ आ चुके हैं हम लोग और एक मैंने व्यू देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके इसका शॉट लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत करता हूँ। क्या चीज तीसरा फ्लोर तक जाना है, ठीक है? हाँ, तीसरे से ऊपर नहीं जाना है। हाँ, तीसरे पे जाना है। थके हुए भाई, सो थोड़ी देर बाद बता दो।
वापस जा रहा हूँ शूट की जाने, तकरीबन शूट हो चुका है और क्लोजअप भी ले लिया इसका। आगे जाते हैं फिर देखते हैं जो सीन बनता है वो आपको बता दें। ठंड इधर भी बहुत है भैया टाउन में और सो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन बहुत अच्छी रिजल्ट आने वाले चीज़ बोल नहीं रहा मैं पहले बेहतरीन काम की उधर ही खड़े रहो। क्यों तो फाइनली भाई जाने का वक्त हुआ जाता है और जाते जाते मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा और वो तो खैर जब फाइल सामने आएगी तो पता चलेगा गला वगैरह बिल्कुल ही डामाडोल हो चुका है। सो दिस इज़ मी अतीका अबिद फ्री लांस ग्राफिक डिज़ाइनर। और आपको ये बता दूँ कि पिछले 3 महीने या 2 साल में अगर आउट था तो अपने इसी फील्ड की वजह से आउट था, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था। तो वो क्या होगा वो मैं आपको आहिस्ता से स्लोली स्लोली बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। ऐसा लवस्ता शेख साहब जी जी और एक वो जो अजी लापू साहब है, इन दोनों का वो क्या कहते हैं डायलॉग एक ही थे सर। वो ये होगा कि आप मुझे ना रिकॉर्ड, आप ये ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, इनकी ऑडियो अलग से रिकॉर्ड होगी, ऑडियो अलग आती है वीडियो अलग आती है। ठीक है, वो आप कुछ भी बोलते हैं फिर लिप्स टू लिप्स जो है वो आगे मर्च हो जाता है। चलो भाई, मैंने तो अपना सारा का सारा काम पूरा कर दिया, सारा शूट भी हो गया और इंडोर आउटडोर सारा का सारा कवर कर दिया जैसे सोच के गया था, उससे बहुत अच्छा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह कि जब भी शूट पे जाता हूँ मैं, इस तरह मैं अगर मैं 24 hours वर्किंग करता हूँ शूट प्रोजेक्ट एडिटिंग वगैरह, वापस आके बीमार पड़ जाता हूँ। तो एक वीडियो मैंने शूट की थी ड्यूरिंग द ब्लॉग जो मैं एडिट कर रहा था कोई चीज, और उसके अलावा मैं ये हरकतें कर रहा था। अपना ख्याल रखिएगा देखने वालों को सर, आप प्यार भरा, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।